हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो. दिस इज़ मानसी और आज हम पेज नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 35 में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज़ मेजरिंग स्टैम्प्स. और यहाँ पे ग्रिड में हमें अलग अलग साइज की स्टैम्प्स भी गिवन है. तो हमें क्या करना है इस पूरे पेज में आपके पास एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है. सो एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन पे आने से पहले जितने भी स्टैम्प्स है फटाफट से इनका एरिया काउंट कर लेते ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो बहुत जल्दी हो पाए. सो अब एरिया कैसे निकालोगे? कोई भी स्टैम्प, जो भी स्टैम्प है वो कितने स्क्वायर से बनी है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो हमारे पास स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के. सो देयरफॉर अगर जैसे एक स्टैम्प 4 स्क्वायर ले रही है तो उसका एरिया 4 हो गया. सिमिलरली अगर कोई स्टैम्प मान लो 12 ले रही है स्क्वायर्स तो वो 12 उसका एरिया हो गया. सो ए देखते हैं स्टैम्प ए. यहाँ पे आप देख सकते हो, जरा इसके स्क्वायर काउंट करो, आप भी मेरे साथ काउंट करना. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो देयर आर 18 नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो मतलब पहले वाले का एरिया हो गया 18. सो हमारी जो स्टैम्प 1 है उसका एरिया 18 है. स्टैम्प बी देख लो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 8 स्क्वायर्स में बनी है तो इसका एरिया 8 हो गया. सिंपल. सी वाली स्टैम्प तो और छोटी है सो इसके स्क्वायर काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 स्क्वायर्स, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास डी. डी थोड़ी सी बड़ी है उससे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो कितने स्क्वायर्स हैं इसके? 12. मतलब इसका एरिया हो गया 12. नेक्स्ट है हमारे पास ई वाला, बहुत छोटा सा स्टैम्प है, ओनली 4 स्क्वायर्स में बना है ये, तो इसका एरिया 4 हो गया. एफ वाली का देख लेते हैं अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 स्क्वायर्स में बना है तो इसका एरिया हो गया 12. ठीक है, फटाफट से ये पेज रिमूव करके मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ. सो नाउ दीज आर दी क्वेश्चंस. सबसे पहले ई पार्ट में हमारे से पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. सो स्टैम्प ए जो है वो कितने स्क्वायर कवर कर रही है? अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितने स्क्वायर कर रही है, 18 स्क्वायर्स, करेक्ट. एंड स्टैम्प बी, स्टैम्प बी ने कितने कितने स्क्वायर्स हैं? 8 स्क्वायर्स, ओके. नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट में विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया. सो कौन सी स्टैम्प का एरिया सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हम सबके एरियाज निकाल चुके हैं, 18, 8, 6, 12, 4, 12. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? स्टैम्प ए का. सो कौन सी स्टैम्प का है? वील राइट स्टैम्प ए. नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 डज दिस स्टैम्प कवर. सो ये स्टैम्प कितने स्क्वायर्स कवर कर रही है? सो सेम क्वेश्चन है, पहले भी हमसे पूछा हुआ है. सो कितने कवर कर रही है? 18, करेक्ट. नाउ हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प डैश सेंटीमीटर. फिर से वही बात है, जितने वो स्क्वायर कवर कर रही है उतना ही उसका एरिया होगा. तो अगर 18 स्क्वायर कवर कर रही है तो उसका एरिया होगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी हम एरिया लिख रहे हैं तो साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है. सो जितने भी कोई भी स्टैम्प स्क्वायर ले रही है, जैसे भी ये 18 स्क्वायर से बनी है तो उसका एरिया भी 18 है. ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे स्क्वायर्स है ना वो 1 सेंटीमीटर ईच है, ये इंपॉर्टेंट है. सो वो तो खैर धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे सीखते रहेंगे. अभी के लिए सी पार्ट है विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया. अब कौन सी दो स्टैम्प का एरिया सेम है? आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है और इसका एरिया भी 12 है, मतलब डी और एफ का. सो डी एंड एफ, ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, और इनका एरिया है कितना? 12. सो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगेन एरिया के साथ स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, अब सबसे छोटी स्टैम्प कौन सी है? सो यहाँ पे सबसे छोटी स्टैम्प स्टैम्प ई है और इसका एरिया कितना है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको वैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट. तो वो पूछ रहे हैं सबसे बड़ी स्टैम्प जो है और जो सबसे छोटी स्टैम्प है उसके बीच का
क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ी है 18 एरिया है उसका, और जो सबसे छोटी है उसका एरिया 4 है. सो 18 में से हम 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 14. सो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, आई होप ये पेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो दिस वॉज पेज नंबर 35. पेज नंबर 36 के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको हर बार नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारे पेजेस लाइन वाइज मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ आई एम सेइंग बाय टू यू ऑल, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.